सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो कल चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पार्ट चार, कमियां निकालना आसान है। ठीक है, तो हमने उसका एक अध्यांश पढ़ लिया था, उसके साथ में हमने उसके कुछ वो प्रश्न उत्तर भी किए हैं, तो आप लोगों ने भी वो कर लिए होंगे। तो साथ में मैंने आपको रीडिंग भी बोली थी उनकी, तो आपने रीडिंग भी की होगी साथ में, जबकि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर से दिए थे उसके अध्यांश, पर रीडिंग तो आपको मस्ट करनी ही है। तो अब मैं कहां से कहां तक पढ़ाऊंगी आपको वो मैं लिख देती हूँ, बोर्ड पे अध्यांश है वो अपना पाठ का ही है, कहां से कहां तक आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैंने जो कल पढ़ाया है उसका भी मैं एक बार दोहरान कर दूंगी। ठीक है, तो मैं कहां से कहां तक पढ़ाऊंगी आपको पता होगा मैंने कहां पे छोड़ा था, राजा को चित्र, यहां से पढ़ेंगे हम गद्यांश। राजा को मिल गया सबको, और ये पूरा ही पढ़ेंगे हम, पीछे तक का हमारा विदा किया। विदा किया हम पूरा पाठ पढ़ेंगे। आपने इसमें अपने जो शब्दार्थ थे वो तो आपने लिख लिए होंगे, ठीक है ना, तो हम को अभी पढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको जो मैंने कल पढ़ाया था उसका एक बार दोहरान कर देती हूँ। पाठ का नाम क्या था, कमियां निकालना। पुराने समय की बात है, दक्षिण भारत में विजयनगर नामक राज्य था। कृष्णदेव राय वहां के राजा थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि दक्षिण भारत के विजयनगर नामक राजा कौन थे, तो वो आंसर था अपना कृष्णदेव राय। उनके दरबार में तेनालीराम नाम का एक दरबारी था, वह बहुत बुद्धिमान था। वह हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल देता था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय उससे बहुत प्रसन्न थे। जो उसका दरबारी था तेनालीराम, उसकी हर समस्या को फटाफट हल कर देता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे, राजगुरु और एक दरबारी में एक बात को लेकर बहस हो गई। राजगुरु मतलब राजा का जो राज्य का जो गुरु होता है वो होता है, और दरबारी में दोनों में बहस हो गई। दरबारी कह रहा था कि कुछ लोग दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन स्वयं किसी बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। राजगुरु को लगा कि यह बात उन्हें लक्ष्य बनाकर कही जा रही है। राजगुरु ने क्या सोचा कि ये बात जो है ये मेरे को निशाना बनाकर कही जा रही है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। जब ये बहस चल रही थी तभी एक चित्रकार दरबार में आया, उसके हाथों में एक बहुत सुंदर चित्र था। इन दोनों में बहस हो रही थी तो एक चित्रकार क्या हुआ, दरबार में आया और उसके हाथ में क्या था, एक चित्र था। उसने वह चित्र राजा कृष्णदेव राय को भेंट किया। उसने वो चित्र जो बना के लाया था वो किसको भेंट किया, उपहार स्वरूप, राजा कृष्णदेव राय को। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके आगे का पढ़ते हैं हम। राजा को मैं धीरे पढ़ूंगी तो आपकी जो अंगुली है उस लाइन पे ही होनी चाहिए। राजा को चित्र पसंद आया। जब वो आदमी जो चित्र लेके आया था वो राजा को क्या हुआ, पसंद आया। उन्होंने वह चित्र अपने दरबारियों को दिखाया। दरबारी जो उसके बैठे थे ना, एक होगा तो उसको बोलेंगे हम दरबारी, और बहुत सारे हो गए तो दरबारियों को दिखाया। दरबारियों ने चित्र को देखा। जब सारे दरबारियों ने क्या किया, उस चित्र को देखा, लेकिन वे उस चित्र से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। जो दरबारी थे ना, जब उन्होंने उस चित्र को देखा तो वो उस चित्र को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से उसमें कमियां निकालने लगे। सबकी आदत होती ना, खुद हम कुछ करें या ना करें पर दूसरों में कमियां हम फटाफट निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार से दरबारियों ने भी क्या किया, उस चित्र में कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तब तेनालीराम राजा के पास गए और बोले, तेनालीराम जो थे ना वो बहुत बुद्धिमान थे, उनके दरबारी थे एक जो, वो राजा के पास गए और बोले, राजन मेरे पास एक सुझाव है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास में एक सुझाव है, आप इस चित्र को, जो वो चित्र लेके आए थे ना जो एक आदमी, उसके लिए वो बोल रहे हैं तेनालीराम कि आप इस चित्र को नगर के
बीच में लटकवा दे। क्या करे जो वहां का राजा था ना, वो कौन से गांव का था, राज्य का राजा था, विजयनगर का था। तो अब विजयनगर के राज्य के अंदर नगर के बीच में जो चौराया है वहां पर इस चित्र को क्या कर दो, लटका दो। और चित्र के नीचे अलग से एक तख्ती लटका कर यह लिखवा दिया जाए। और उन्होंने क्या बोला कि जो चित्र है ना उसके नीचे क्या करना है आपको, एक तख्ती लगा देनी है, एक जिसे खाली जगह के लिए कुछ लिखना हो वो एक तख्ती लगवा दीजिए। यदि इस चित्र में किसी को कोई कमी दिखाई दे तो वह उस स्थान पर निशान लगा दे। वो क्या बोल रहे हैं कि इस चित्र में जिसको भी जो कमी दिखाई देती है, प्रजा को, वहां की जो जनता थी उसको, तो हमने नीचे तख्ती लगाई है उस पे आप वो निशान लगा देना कि इसमें ये कमी है। राजा को तेनालीराम का सुझाव पसंद आया। जो तेनालीराम ने सुझाव दिया था ना वो उनको, राजा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन चित्र को नगर के बीच चौराहे पर रखवा दिया गया। चौराहे माने जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसको हम बोलते हैं चौराहे। तो उन्होंने क्या किया, उस चौराहे पर उस चित्र को रखवा दिया। शाम को जब चित्र को महल में लाया गया, जब शाम को चित्र को महल में लेकर आए लोग बाग, तो राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए राजा कि उस पर इतने निशान लगे हुए थे कि उस चित्र पे इतने निशान लगे चुके थे कि असली चित्र को पहचान पाना भी कठिन था। जो चित्र था ना उस पे लोगों ने इतने निशान लगा दिए कि इसमें ये कमी है, इस जगह पे कमी है, इस जगह पे कमी है। तो इस प्रकार से उन्होंने इतने निशान लगा दिए लोगों ने कि उस चित्र की जो असली पहचान थी वो करना भी मुश्किल हो रही थी कि ये असली चित्र क्या बना के लाया था वो चित्र का। राजा का चेहरा उतर गया। ये मैंने आपको उसमें मुहावरा बताया भी था, राजा का चेहरा उतर गया। चेहरा उतर गया मानी उदास हो गए। राजा क्या हो गए थे, उदास हो गए थे। यह देखकर तेनालीराम ने कहा, राजन आप चिंता न करें। वो राजन को क्या बोलता है, राजा आप चिंता न करें, हम इस चित्र को ठीक करके उसी स्थान पर रखेंगे। अब उन्होंने क्या बोला वापस से तेनालीराम ने कि हम इस चित्र को ठीक करके वापस उसी जगह पर लगाएंगे, कहाँ पर, जहां पर पहले उन्होंने चौराहे पर लगाया था। और तख्ती पर यह लिख देंगे कि, पहले तख्ती पर क्या लिखा था उन्होंने, क्या लिखा था कि जिसको भी इस चित्र में कमी दिखाई देती है उस स्थान पर तुम निशान लगा देना। और इस बार हम क्या लिखेंगे, तख्ती पर यह लिख देंगे कि अगर किसी को इस चित्र में कोई कमी दिखाई दे तो उसे ठीक कर दे। उन्होंने क्या लिखा इस बार कि इस चित्र में जिसको जो कमी दिखाई दे रही है, पहले तो उन्होंने बोला कि कमी पर आपको क्या लगाना है, निशान लगाना है। अब उन्होंने क्या बोला कि जिसको जो कमी दिखाई दे रही है उस कमी को ठीक कर दे। ठीक है, इसके लिए उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो भी इस चित्र में कमी ढूंढेगा और उस कमी को जो ठीक कर देगा उसको राजा की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। राजा ने ऐसा करने की अनुमति दे दी, उन्होंने इस प्रकार से करने की आज्ञा दे दी। चित्र को ठीक करके अगले दिन नगर में उसी स्थान पर रखवा दिया गया। जो चित्र में बहुत सारे निशान हो गए थे ना, तो वो चित्र के निशान सारे ठीक करवा दिए और वापस से जैसा वो चित्र था उसको वैसा ही करवा दिया गया और वापस से उसी स्थान पर नगर में रखवा दिया गया। शाम होने पर जब चित्र को राजा के पास लाया गया तो उसे यह देखकर और अधिक हैरानी हुई, उसको और भी ज्यादा हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि उस दिन चित्र पर कोई भी निशान नहीं था। कि जिस दिन बोला था ना कि इसमें कमी निकाल दो, उस दिन तो उस चित्र पे इतने निशान हो गए थे कि उस चित्र को पहचानना भी मुश्किल था। लेकिन जब उनको बोला गया कि इस चित्र में कमी है उसको ठीक कर दो, तो उस चित्र पर एक भी निशान नहीं थे। किसी भी व्यक्ति ने उसे छूने की चेष्टा तक नहीं की। किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, उसको छुआ तक भी नहीं चित्र को। कमी तो बहुत दूर की बात है, जब उनको कमी निकालने के लिए बोला गया ना तो उन्होंने फटाफट से कमियां निकाल दी। लेकिन बोला गया कि कमी को निकाल कर ठीक करना है, तो उनमें किसी ने उस चित्र को छुआ भी नहीं, किसी ने उस चित्र को छूने की कोशिश भी नहीं की।
तेनाली राम ने राजा से कहा, राजन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, दूसरों में कमी ढूंढना लोगों की आदत होती है। उन्होंने क्या बोला तेनालीराम ने कि दूसरों में हम कमियां ढूंढते ना, ये मनुष्य की आदत होती है, लेकिन जब उनसे कमियों को सुधारने के लिए कहा जाता है, जब कमी तो निकाल देते हैं लेकिन जब उनको बोला जाए ना कि इसको सुधार के लिखो, तो वो सुधारने के लिए कहा जाता है तो वे बगले झांकने लगते हैं, इसका उनको कोई रास्ता न सूझता है। यही मनुष्य का स्वभाव होता है, यही मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो दूसरों में गलतियां तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाए कि इस गलती को तुम सही करके दिखाओ, तो वो उस गलती को सही नहीं कर सकते हैं, वो अपना रास्ता, कोई रास्ता उनको नहीं सूझता है। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात सही लगी, उन्होंने इस बात के लिए तेनालीराम को सम्मानित किया और चित्रकार को अच्छा उपहार देकर विदा किया। उन्होंने चित्रकार को अच्छा सा उपहार दिया और उस चित्रकार को विदा कर दिया। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो या बिल्कुल भी नहीं आया, आया या नहीं आया? इसमें छोटी सी अगर हम इसकी स्टोरी सुने, कमियां निकालना आसान है, तो हम किसी की भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि इस चीज में आप कमी निकालो, तो हम कमियां तो उसमें बहुत सारी निकाल देंगे। जैसे आप ही को अगर एक ड्रॉइंग दी जाए और मैं बोलूं कि इस ड्रॉइंग में आप बताओ कि इसमें कितनी कमियां हैं, तो आप फटाफट बता दो कि मैम ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ठीक है। और लेकिन उसमें बोला जाए ये कमी है, इसको आप ठीक करके दो, तो क्या करेंगे लोग बार उसमें कोई ठीक नहीं करेंगे, उसको ऐसी की ऐसी छोड़ देंगे, वो कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर कोई कमी भी होगी ना, तो उसकी भी वो कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से राजा बोल रहा है कि मनुष्य की ये क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो दूसरों में कमियां तो निकाल देता है, लेकिन उन कमियों को ठीक करने की कोशिश वो कभी भी नहीं करता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो तेनालीराम ने उनको ये समझाया कि मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होता है, और उन्होंने जो राज्य के अंदर चौराहे के ऊपर जो वो तस्वीर लगाई थी चित्रकार की, चित्रकार ने जो बनाई थी, वो भी उनकी वापस आ गई थी। और उसके बाद में राजा ने तेनालीराम को भी सम्मानित किया, और साथ में जो चित्रकार चित्र बना के लाया था ना, राजा को बहुत पसंद आया था वो चित्र, उसको भी उन्होंने सम्मानित किया, बहुत सह सम्मानित किया, और उनको फिर आदर से विदा किया। क्योंकि इतना सुंदर चित्र बनाना, कोई भी अपनी मेहनत करता है तो वो उसमें अपनी पूरी अच्छे से मेहनत करता है, हमें उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर कमियां ढूंढते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन कमियों को हमें सही भी करना चाहिए कि इसमें ये कमी है तो इसमें अगली बार तुम ये सुधार करोगे, तो उसमें तो अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ कमियां ही देखते हैं, ना कि उसमें हम सुधार करते हैं। तो मैंने आपको जो शब्दार्थ करवाए थे वो आपने इसमें लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो वो आप लिख लेना। संतुष्ट का मैंने करवाया था इसमें, जिसे संतोष हो गया हो, चेष्टा, कोशिश, हैरानी, अचंभित, स्वभाव, आदत, चेहरा उतर गया था, उदास हो गए थे, बगले झांकना, कोई रास्ता न सूझना। तो ये आपका मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है, और आपको भी ये पाठ चार पूरा पढ़ना है, क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए थे, लेकिन अब आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये पूरा पाठ पढ़ोगे, उसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो पूरी करेंगे, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो शुरू से ही पाठ पढ़ना है पूरा, और लास्ट तक पूरा पाठ पढ़ के आप मुझे उस पर साइन करवा के भिजवाओगे कि हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया है और मम्मी को अच्छे से सुनाया है, एकदम स्पीडली सुनाया है, अच्छे से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की हमने पढ़ने में। और जो हार्ड वर्ड्स थे वो आपको लिखने आने चाहिए, इसमें मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स आपको बताए भी है, जो पढ़ना नहीं आए, बोलना नहीं आए, जैसे सुझाव, पसंद, चित्रकार, बगले झांकना, अनुमति, चेष्टा, दरबारियों, ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने आपको मौखिक में भी बता दिए हैं। तो आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने भी आने चाहिए और बोलने भी आने चाहिए, उच्चारण भी करना आना चाहिए उनका। तो आप ये पूरा पाठ पढ़ोगे और उसके बाद में आप मुझे साइन करवा के भिजवाओगे, जो आप अपना वर्क सबमिट करवाते हैं ना, उसमें पूरे पाठ की आप लिखवा के भी भेज सकते हो कि हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, जो भी आपका गृह कार्य है, पार्ट चार आपको पूरा पढ़ना है और उस पे आपको साइन लेने हैं अपनी मम्मी के कि हमने अच्छे से पढ़ दिया है, ठीक है। धन्यवाद।